जालौन पुलिस को दो बड़ी सफलताएं हाथ लगी हैं। पहली सफलता एसओजी और सर्विलांस की टीम को मिली है, जिसमें पुलिस ने 96 किलो अवैध गांजा सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी सफलता कुटौंद पुलिस को मिली है, जिसमें पुलिस ने जमीनी रंजिश में हुई हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवारा समाचार जालौन उत्तर प्रदेश से विक्की प्रजापति की रिपोर्ट। थाना कुटौंद के खेड़ा जमलापुर गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें एक घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है पहले से ही। उसी में जो वांछित चल रहे थे उनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की बधानी कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या माहौल है आप गाँव में? गाँव में जो है शांति है और एहतियात के तौर पर फोर्स लगाया गया है और पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है और आगे की जो भी जांच में आएगा उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या पूरा मामला है, कितनी मात्रा में गांजा पकड़ा गया, ये कहां सप्लाई कर रहे हैं? जी, जनपद जालौन के थाना आटा क्षेत्र में कल चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने जो सूचना थी उसे डेवलप किया और एक गाड़ी आल्टो गाड़ी में 96 kg लगभग 96 किलो गांजा मौके पर बरामद किया है और 3 इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो झांसी के रहने वाले हैं। और इनसे पूछताछ में पता चला है कि 2 जनपद उरई के जो लोग हैं, जो वांछित हैं, जिनके द्वारा इन्हें गांजा सप्लाई किया जाता था और ये इस गांजे को विभिन्न जिलों में जनपद जालौन के अगल बगल के जो ज़िले हैं गांव में पुड़िया बना के और थोक में उसे बेचते थे। सर, कितनी कीमत होगी बाजार गांजे की? लगभग 7,000 से 8,000 रुपया किलो की इसकी कीमत है और 96 kg लगभग गांजा है। सर, भांग की दुकानों पर भी लगातार गांजा बेची सूचनाएं आती हैं, तो इस पर पुलिस क्या कर रही है? इसमें कई मुकदमे NDPS एक्ट में लिखे गए हैं जनपद जालौन में, जो पूर्व में इस तरीके के जो ठेके थे जिनके पास में भांग बेचने का सरकारी ठेका था किंतु वो उससे गांजा सप्लाई करते थे, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। भविष्य में भी सभी को सचेत किया गया है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जो है उन्हें भी सूचना दी गई है कि इस तरीके की कोई हरकत डिस्ट्रिक्ट में ना हो कि जो लाइसेंसी दुकान भांग की है उससे गांजा बेचा जाए। इनका आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास का पता कर रहे हैं। 2 लोग हमारे जनपद जालौन के हैं जो मेन सप्लाई लेके आते हैं, उससे पता चलेगा कि वो किस जिले से या किस राज्य से गांजा। अच्छा, पुलिस टीम को कोई पुरस्कार अधिकारियों की तरफ से दिया जाएगा? जी, SOG और सर्विलांस और जो थाने की जो पुलिस है उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। अभी मुख्य आरोपी पकड़ से दूर है? जी, 3 मुख्य ही हैं, सभी लोग मिलजुल के काम करते थे। अभी 2 लोग हमारे जनपद के जो हैं वो वांछित हैं, इसमें उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ओके, थैंक यू सर।